विदेशी सत्ता के अधीन भारतीय जीवन की एक हृदय स्पर्शी कहानी है। उस समय की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक अवस्था के यथार्थ चित्रण के कारण गोदान विश्व साहित्य में सदा के लिए अमर होकर रह गया है। गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं। जरा मेरी लाठी दे दे। अरे ऐसी जल्दी क्या है, कुछ रस पानी तो कर लो। तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे ये चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी। स्नान पूजा करने बैठेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जल पान कर लो। और आज ना जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी कल तो गए थे। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता ना चलता कि किधर गए। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। क्यों, हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वो अपना लगान ही तो लेगा, हम उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तनवे क्यों सहलाएं। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख।
राम राम भोला भाई। राम राम। कहो क्या रंग ढंग है, सुना है इबके मेले से नई गाय लाए हो? हाँ, दो बछिए और दो गाय लाया हूँ। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, अंधी पर दूध नहीं पहुँचे तो गुजर कैसे हो? भगवान कहीं गांव से बरखा कर दे और दाढ़ी भी सुबीते से रहे तो मैं गाय जरूर लूंगा। गौ से ही तो द्वार की शोभा है, न जाने कब ये साथ पूरी होगी। दो धार तो मालूम होती है, एक कितने में ली? अब की बाजार बहुत तेज है मैं तो, इसके 80 रुपए देने पड़े, आंखें निकल गई। इस पर ग्राहक रुपए का 8 से 1 दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन लाए भी वो माल के 10-5 गांव में किसी के पास निकलेगी नहीं। जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। राय साहब इसके 100 रुपए देते थे लेकिन हमने नहीं दिया, भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी ध्यान में पीट लूंगा। इसमें क्या संदेह है, गृहस्थ के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। घरवाली बार बार कहती है कि भोला भाई से क्यों नहीं कहते, तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है, कहती है ऐसा मर्द नहीं देखा, जब बात करेंगे आंखें नीचे करके। भला आदमी वही है जो दूसरे की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे, जो दुष्ट किसी महरिया की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। यह तुमने 1,00,000 रुपए की बात कह दी भाई। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव कट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया। मैं तो कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते? साथ में तो हूँ, मैं तो 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ। अब मैं भी फिक्र में रहूंगा, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। मैं तो इस गाय पे मन ललचाया हो तो लो। ये गाय मेरे मान की नहीं दादा, फिर मेरे पास नकद दाम भी तो नहीं है। तुमसे नकद दाम मांगता कौन है भैया, ये गाय तुम्हारी हो गई, जब इच्छा हो आकर ले जाना। हाँ, अगर थोड़ा सा भूसा हो तो दे देना, इतने जानवरों को क्या खिलाए यही चिंता मारे डालती है। मेरे पास थोड़ा सा भूसा बचा है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अभी मैं राय साहब की डोली पर जा रहा हूँ, घड़ी भर में वहाँ से लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। अच्छा है, लेकिन वो बात भूलना नहीं। तुम इसकी फिक्र मत करो दादा। अच्छा अच्छा आ, आ, कैसे हो होरी? सब कुशल है सरकार। मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था, अब की रामलीला में तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। जिस वक्त श्री जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती हैं, उसी वक्त तुम उन्हें एक गुलदस्ता भेंट करोगी। जो हुक्म सरकार। और देखो आसामियों से ताकीद करके कह देना, सबके सब शगुन करने आए, विजयदशमी तक हमें 20,000 का प्रबंध करना है। हजूर तो बड़े आदमी हैं, 20,000 कौन सी बड़ी बात है? तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो? अरे हमारे नाम बड़े हैं और दर्शन थोड़े। मैं तो सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीन कर हमें अपनी जिंदगी बसर करने के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे। सरकार बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है, कहते हैं जब तक हमें खाने को नहीं मिलेगा हम काम नहीं करेंगे। अच्छा तुम जाओ, देखता हूँ कैसे बेगारी नहीं करते। तुम जा सकते हो होरी। हाँ, जो बात मैंने तुम्हें कही है उसका ख्याल रखना, तुम्हारे गांव से मुझे कम से कम 500 की आशा है। मालिक से क्या बात थी खुई? यही तहसील वसूल की बात थी। हम लोग समझते हैं कि बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो हमसे भी ज्यादा दुखी है। तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। मजे से रात का सुख भोग रहे हैं, ऊपर से दुखी। अब तुमसे बहस कौन करे भाई, जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वही छोड़ देंगे? हमें खेती से क्या मिलता है, लेकिन खेतों छोड़ा तो नहीं जाता। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, उन्हें क्या, मजे से गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमी पर हुकूमत है, सभी तरह का सुख तो भोगते हैं। तुम्हारी समझ में हम और वो बराबर हैं? भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं बेटा,
संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ संचा नहीं तो भोगे क्या? यह सब मन को समझाने की बातें हैं। यहाँ तो जिसके हाथ में लाठी है वही गरीबों को दबाकर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भ्रम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर यह भजन और दान धर्म होता है? अपने बल पर नहीं, किसानों और मजदूरों के बल पर। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जोन खाना दे तो हम आठों पहर भगवान का जप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ, एक खांचा और लूंगा। एक नहीं, 2 और भरे धरे हैं। मैं और गोबर साथ ही लिए चलते हैं, तुम्हें ना आना पड़ेगा। अच्छा भर ला, थोड़ा सा रस बना ले, पानी ना हो तो डाकुए से भर ला। अच्छा।
बिना घरनी के घर नहीं होता भैया। पुरानी कहावत झूठी थोड़ी है, नाटल खेती बहोरियन घर। नाटे बैल खेती क्या करेंगे और बहुए क्या घर बताएंगे। ठीक कहते हो भैया। जब से चुनिया की मां मरी है घर की बरकत उड़ गई। तुम रहने दो, मैं भर देता हूँ। तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने ना दिया। मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत ना दिखाए तो मेहमान ही है। रोज रोज आने से मर्याद भी तो नहीं रहती। यही मर्याद तो दे रही हूँ। महीने में एक बार आओगे तो ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे तो चिलम पाओगे, 7वें दिन आओगे तो खाली बैठने को माची दूंगी, रोज रोज आओगे तो कुछ न पाओगे। दर्शन तो दोगी ना? दर्शन के लिए पूजा करनी होगी। मैं भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती। अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वो दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा। भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो वह क्यों द्वार द्वार घूमे। भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है, उसको तो चुटकी ही मिलेगी। सरबस तो तभी पाओगे जब सरबस दोगे। कल गोबर को भेजकर गाय मंगवा लेना, इस वक्त तो सानी खा रही है। मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है। तुम्हें जल्दी ना हो, हमें जो जल्दी है उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वो बात याद रहेगी। उस बात की मुझे बड़ी फिक्र है दादा। होगी आंगन में जगह कहाँ है। वहाँ जगह है, मैं तो यहीं गाड़ता हूँ। पागल ना बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बिट्टे भर आंगन में गाय का बांधेगी भाई। जो बात नहीं समझते उस पे टांग मत अड़ाया करो, संसार भर की विद्या तुम्हें नहीं पढ़े हो। आज मेरे मन की लालसा पूरी हो गई। रूपा जा कहीं घंटी बन की ले तो आ। सोना सहवान की दुकान से काला डोरा लिया, गाय को नजर बहुत लगती है। कहाँ हो भोरी, तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख ले। सुना है बड़ी सुंदर पाल आगन दादा, न जाने किसके पुण्य प्रताप से आज मेरा घर पवित्र हो गया है। कोई दोष नहीं, बाल भोरी सब ठीक, भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाव खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण हैं कि वाह, बस रात में कमी ना होने पाए। 5 सेर दूध है इसमें। अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ, बुढ़िया तो हो गई है, फिर यहाँ रातिब कहाँ धरा है। बाहर ना बांधना, इतना कहे देते हैं। नहीं महाराज, बाहर क्या बांधेंगे। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ।
शोभा आया न हीरा, सुना ना होगा। मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया मेरे सामने भाइयों का बखान ना किया करो, उनका नाम सुनकर मेरे देह में आग लग जाती है। भगवान ने जब यह दिन दिखाया है तो हमें सर झुकाकर चलना चाहिए। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने ना सुना होगा, मगर आए कैसे, जलन हो रही होगी कि इसके घर गाय आ गई, छाती फटी जाती होगी। रूपा जरा शोभा काका और हीरा काका के यहाँ जा, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है, अगर ना आए तो हाथ पकड़ कर खींच लाना। किसी को बुलाने नहीं जाना है, इतना ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते, अभी पेट नहीं भरा जान पड़ता है। किस बात पर बिगड़ती है भाई, यह तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकर की तरह हवा को भूखा करे। जब तक एक में थे एक बकरी भी नहीं ली, अब पछाई गाय ली जाती है, भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। यह तुम अन्याय कर रहे हो हीरा, भैया ने एक एक पाई का हिसाब दे दिया था, मैं ये कभी ना मानूंगा कि उन्होंने पिछली कमाई छुपा रखी। तुम मानो चाहे ना मानो, है ये पहले की कमाई। किसी पर झूठा इल्जाम लगाना अच्छा नहीं। अच्छा तो ये रुपए कहाँ से आ गए, कहाँ से मन बरस पड़ा, उतने खेत हमारे पास भी है, उतनी उपज हमारी भी है, फिर क्यों हमारे पास कफन को कौड़ी नहीं और उनके घर नई गाय आती, उधार लाए होंगे। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है शोभा, कुछ भी हो गाय है बड़ी सुंदर, गोबर लिया आता था तो मैंने रास्ते में देखा। बेईमान का धन जैसा आता है वैसा ही जाता है, भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में ना रहेगी। उदास क्यों पड़े हो? सारा गांव कह रहा है कि मैंने अलग होते समय भाइयों को धोखा देकर रुपए दबा लिए थे, वही रुपए अब निकल रहे हैं। सारा गांव नहीं कह रहा है, केवल हीरा कह रहा है। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है। धीरे धीरे बोल महारानी, कोई सुने तो कहे इतनी रात दे लड़ रहे हैं। तुम्हें अपने भाइयों का डर हो तो उनके पैरों पर जाकर गिरो, मैं किसी से नहीं डरती। मैं गाय अभी भोला को लौटा देता हूँ, इसी में कुशल है। मैं कह देती हूँ गाय घर के बाहर निकली तो अंधा हो जाएगा। याद रखूंगा छोना, मैं तो तुम्हारा हो चुका लेकिन तुम भी मेरी हो जाओगी। तुम मेरे हो चुके कैसे जानो? तुम जान भी मांगो तो मैं दे दूं। जान देने का अर्थ भी समझते हो? तू भी समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभा करना, एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निर्वाह करके रहना। मैं मरते दम तक निभाऊंगा छोना, एक बार मेरे घर क्यों नहीं आते, जरा अम्मा भी तो देख ले। तुम्हारे घर यूं ना आऊंगी, बड़ी देर हो गई, कल रात मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी, तुम चले आना, मैं पिछवाड़े में दूंगी। और जो ना मिली तो लौट जाना।
तो फिर मैं नहीं आता। आना पड़ेगा, नहीं कह देती हूँ। फिर तुम भी वचन दो कि मिलोगी। मैं वचन नहीं देती। तो मैं नहीं आता। मेरे बला से। राम राम ठाकुर। राम राम हरी। कहो अच्छे हो ना? अच्छा क्या हूँ ठाकुर, राय साहब ने कहला भेजा है कि जब तक बाकी ना चुक जाए कोई हल नहीं चला सकता। अब तुम ही बताओ ठाकुर, खेती ना होगी तो रुपए कहाँ से आ जाएंगे? वह सब पुराना रुपया क्या कर डाला? पुराना रुपया होता ठाकुर तो महाजनों से अपना गला न छुड़ा लेता। सूद भरते किसे अच्छा लगता है? गए रुपए न निकले चाहे सूद कितना भी देना पड़े, तुम लोगों की यही नीति है। गड़े रुपए कहाँ के गड़े रुपए बाबू साहब, खाने तक को तो होता नहीं। लड़का जवान हो गया, ब्याह का ठिकाना नहीं। बड़ी लड़की भी तो ब्याहने जोग हो गई है, रुपए होते तो किस दिन के लिए गाड़ रखते। अच्छा भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं, अब राजी हुए? कुछ गहने गाठे हो तो गिरो रखकर रुपए ले लो। स्टाम्प लिखोगे सूद बढ़ेगा और झमेले में पड़ जाओगे। मैं कसम खाता हूँ ठाकुर, गहने नाम घर में एक सूत भी नहीं है। दुनिया के हाथ में कड़े हैं वो भी गिलट के। तो एक बात करो, यह जो नई गाय लाए हो उसे हमारे हाथ बेच दो, सूद स्टाम्प सब झगड़ों से बच जाओगे। हम जानते हैं तुम उसे अपने शौक से लाए हो, बेचना नहीं चाहते, लेकिन यह संकट तो टालना होगा। ये तो सब जानता हूं, मैं जरा घर जाकर सलाह कराऊं। सलाह करने की जरूरत नहीं है, उनसे कह देना है कि रुपये उधार लेने में अपनी बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं है। सब समझ रहा हूं ठाकुर, मैं सब समझ रहा हूं। कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। आकर जवाब देता हूं। मेरा तो हाथ नहीं उठता धनिया, इसका मुंह नहीं देखती। जैसे कह रही हो चार दिन में ही तुम्हारा मन भर गया। बेचारी ने कभी किसी बात का गिला नहीं किया, जो कुछ रुखा सुखा हमने दे दिया वही खाकर संतुष्ट हो गई। रहने दे, रुपए सुख पर ले लूंगा, भगवान ने चाहा तो सब अदा कर दूंगा। एक बार ऊख लग जाए और क्या, ले लो रुपए, जैसे वह सब चुकाए जाएंगे इसे भी चुका देंगे। इसे कहां लिए जा रहे हो? अंदर गर्म है, सुंदरिया को बाहर हवा में बांध देता, इसकी भी तो जान है। अच्छा तेरा शोभा को देखते आना, उसकी तबीयत ठीक नहीं। अब रात हो गई है, कल चला जाऊंगा। नहीं नहीं आज ही को आओ, सुना है उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती ही रहती है। अच्छा इसे बंद कर जाता हूँ। मैं हूं दादा। ओ हीरा। हाँ दादा, तुम्हारे कौड़े से चिलम के लिए आग लेने आया था। तमाखू है कि ला दूं? तमाखू तो है दादा। अच्छा
हीरा, शोभा तो आज बहुत बेहाल है। दवाई नहीं खाता तो क्या किया जाए दादा? उसके लेखे तो सारे वैद्य डॉक्टर हकीम अनाड़ी हैं। भगवान के पास जितनी अकल थी वो उसके और उसकी घरवाली के हिस्से पड़ गई। यही तो उसमें खराबी है, किसी की सुनता ही नहीं। अच्छा तो दादा मैं चलता हूं। देखिए अपने सुपुत्र की लीला, इतनी रात हो गई अभी उसे अपने सेल से छुट्टी नहीं मिली। मुझे सारा पता मिल गया है। आखिर हुआ क्या? भोला की वो लड़की नहीं है झुनिया, उसी के फेर में पड़ा रहता है। गोबर बेचारा इन बातों को क्या जाने। वो उसे उंगलियों पर नचा रही है और ये समझता है उस पर जान देती है। देखो तुम उसे समझा दो, कहीं ऐसी वैसी बात हो गई तो कहीं कहना रहोगे। झुनिया देखने सुनने में कोई बुरी तो नहीं है, उसी से कर ले सगाई। ऐसी अच्छी मेहरिया उसे और कहाँ मिलेगी। झुनिया इस घर में आए तो उसका मुंह झुलस दूं। गोबर की चहेती है तो उसे लेकर जहां चाहे रहे। और जो गोबर इसी घर में लाए तो ये दोनों लड़कियां किसके गले में बांधोगे? फिर बिरादरी में तुम्हें पूछेगा कौन? कोई द्वार पर खड़ा तक तो होगा नहीं। उसे किसकी परवाह। यूं नहीं छोड़ूंगी लाला को, मर मर कर पाला है और झुनिया आकर राज करेगी। दादा सुंदरिया को क्या हो गया? क्या काले सांप ने छू लिया? वह तो बड़ी तड़प रही है। सब मुझे निकालते हो, अभी तो मैं देखे आ रहा हूँ। जाकर सो रहा हो गोबर, जो होना था सो हो गया। देखकर आया तो हीरा सुंदरिया के पास खड़ा था, मालूम होता है उसी ने आकर कुछ खिला दिया है। क्या कहा, हीरा ने कुछ खिला दिया है? हाँ, लेकिन इसका जिक्र भूल कर भी किसी से न करना। कौन? सुबह होते ही लाला को थाने ना पहुंचाया तो बाप की बेटी नहीं। तो किसी से दुश्मनी नहीं थी होगी, फिर ये विपत्ति कहां से आ खड़ी हुई? गाय क्या थी कि बस लक्ष्मी थी, अभागों के घर क्या रहती। महाराज तुम गवाह
फिर वही बात मुंह से निकाली। तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नान के पास खड़े नहीं देखा। हाँ हाँ मैं कसम खाता हूं मैंने नहीं देखा। बेटे के माथे पर हाथ रखकर कसम खा। हाँ हाँ होरी, अगर तुमने हीरा को गाय के पास नहीं देखा तो खा लो कसम। मैं अपने बेटे की कसम खाता हूं मैंने हीरा को नान के पास नहीं देखा। थोड़ी है तेरी छुटाई पर, अगर मेरे बेटे का एक बाल भी भागा हुआ तो घर में आग लगा दूंगी। धनिया गुस्सा मत दिला नहीं तो बुरा होगा। मार ही तो डालेगा और क्या। धनिया अपने बाप का बेटा होगा तो आज मेरी जान लेकर तभी पानी पिएगा। कहता हूँ चुप रह। पापी हत्यारा। एक तो मेरे माथे पर हाथ रखकर झूठी कसम खाई, उस पर से अम्मा पर हाथ उठाते हो। अगर यह बात साबित हो गई तो धर्म बिना दंड दिए न रहेगा। हीरा को गंगा जल उठाकर कसम खानी पड़ेगी। महाराज जब इस धर्मात्मा ने झूठी कसम खा ली तो उसका क्या भरोसा। खा लें झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए। बूढ़े जीते रहे जवान जीकर क्या करेंगे। ये है सरकार, तुम्हारा सुबह किस पर है होरी। मेरा सुबह किसी पर नहीं है सरकार। गाय अपनी मौत से मरी है, बुढ़ी हो गई थी। गाय मारी है इसके भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बौड़म नहीं है कि जो तुम कहोगे मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। यह औरत कौन है। होरी के घर वाली है सरकार। और हीरा कहाँ है। वो तो आज सवेरे से ही कहीं चला गया सरकार। मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। पंडित दादा मेरे जीती जी ये तलाशी ना होने पाएगी। जो कुछ करना है जल्दी करो, इस तरह गला नहीं छूटेगा। मेरे पास तो जहर खाने को भी पैसा नहीं है पंडित दादा। इस संकट से उबार लो, जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। तलाशी लेकर क्या करूं हुजूर, उसका भाई आपके ताबेदारी के लिए हाजिर है। कैसी बातें करते हो जी। ऐसा न कहिए हुजूर, नहीं तो हम फिर कहां जाएंगे। हमारे पास दूसरी कौन सी खेती। ये लो 50 रुपए, आज ही कागज लिखा लेना। तुम्हारा मुंह देकर रुपए दे रहा हूं तुम्हारी फलमंसी पर। कहां चला है ये रुपए लेकर। घर के परानी दाने दाने को तरसे और ये चला है अंजलि भर रुपए लेकर घर की इज्जत बचाने। दरोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले तलाशी। मुझे ऐसा मालूम होता है कि हीरा को फंसाने के लिए इस औरत ने खुद गाय को घर दे दिया। हाँ दे दिया जहर, अपनी गाय थी मार डाली। तुम्हारी तहकीकात में यही निकलता है तो लिखो, पहना दो मेरे हाथों में हथकड़ियां। आइयो चलो। राय साहब अब की तो आपने काउंसिल में प्रश्नों की धूम मचाई। मैं तो दावे के साथ कह सकती कि किसी भी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। मैं इन प्रश्नों का कायल नहीं। सच पूछिए तो मुझे उन लोगों के साथ जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जीवन है रईसों का सा। आपका विचार बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर मेहता, मैं इसे स्वीकार करता हूं। किसी को भी दूसरों के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। खेद तो यही है कि सबको समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहार में नहीं लाते। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता। आप ही को महीने का 800 रुपए हड़पते हैं जब आपके करोड़ों भाई सिर्फ 8 रुपए पड़ता निर्वाह करते हैं। व्यक्तिगत बातों की आलोचना न कीजिए खन्ना साहब। नहीं नहीं मैं इसे बुरा नहीं समझता खन्ना साहब। मैं इतना वेतन इसलिए लेता हूँ कि मेरा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आप
किस व्यवस्था के समर्थक हैं? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहे हैं और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। आप इस 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेद मानते हैं? जी हाँ, मानता हूँ और बड़े जोरों से मानता हूँ। आप धन को बराबर फैला सकती हैं, लेकिन रूप को, बुद्धि को और चरित्र को बराबर फैलाना आपकी शक्ति के बाहर की बात है। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है मिस्टर मेहता। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है मिस्टर खन्ना। माफ कीजिए, मुझे देर हो ही गई और इसके लिए आप सबसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप ना आते तो हम सबको बड़ा अफसोस रहता। कल शिकार का प्रोग्राम रखा गया है। बहुत खूब, लेकिन रसोई वगैरह साथ ना ले चलिएगा। मिस मालती पकाएंगी और हम सब खाएंगे। क्षमा कीजिए, पकाने में मैं आपकी मदद न कर सकूंगी। सच पूछिए तो मुझे इसका शौक ही नहीं है। फिर मिर्जा साहब, आप फिक्र ना कीजिए, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। जंगल में हांडी और बर्तन की तलाश करना हिमाकत है। हरण का शिकार कीजिए, भूनिए, खाइए और दोस्त के साय के नीचे खर्राटे लीजिए। जागते हो? अरे जागता तो हूँ, लेकिन इस जाड़े पाले में तू क्या करने आई है? कुशल तो है? हाँ, सब कुशल है। जिस बात को डरती थी वही होकर रही है। क्या हुआ? क्या बात ही ऐसी हुई है कि छाती दुगनी हो जाए। साफ साफ क्यों नहीं कहती? झुनिया को बच्चा होने वाला है। तो क्या झुनिया हमारे यहाँ आई हुई है? और कहाँ जाती, पूछता कौन? और गोबर भी ना जाने कहां भाग गया है। झुनिया ने कुछ नहीं कहा वो कहां गया। अरे उससे तो कुछ कहकर गया होगा। तुम्हें तो बस गोबर की ही चिंता है, मुझे इस कलमुही की चिंता है। इसे क्या करूं, अपने घर तो मैं से छन भर भी ना रहने दूंगी। उसे घर में घुसने ही ना देना चाहिए था। लेकिन वो तो हमारे घर से उठने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा चल, देखूं कैसे नहीं उठती, घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। देखो हल्ला ना मचाना, नहीं सारा गांव जाग उठेगा। बात तो एकदम खुल नहीं है, तो फिर आज ही खुल जाए। मुदा इतनी रात गई, इस अंधेरे सन्नाटे में जाएगी कहां? जाए जाओ उसके सगे वाले हो। लेकिन सोचो तो, पांव भारी है, कहीं डर डरा जाए तो और आफत हो। हमें क्या करना, मैं तो गोर को भी निकाल बाहर करूंगा। तुम्हें मेरी सौ, वो तो आप ही रो रही है। भाग्य खोटी ना होती तो ये दिन क्यों आता। अच्छा तू मत घबरा, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। जैसी तू भोला की बेटी है वैसी ही मेरी बेटी है। हमारे रहते तुझे भी सकेगा, भोज भात जो लगेगा वो हम सब दे लेंगे। लेकिन मेरे काका और भैया तो मुझे खर्चा खा जाएंगे। मैं देख लूंगी काका और भैया को, संसार में उन्हीं का राज नहीं है। बहुत करेंगे अपने गहने ले लेंगे, फेंक देना उतार कर। अम्मा जरूर। बेटी तुझे कुछ मालूम है गोबर किधर गया? मुझे तो लगता है कहीं बाहर चले गए, कायर कहीं का। आपके आए तो घर में बैठने ना दूं। हम उसके दुश्मन थोड़े ही थे, जब भली या बुरी एक बात हो गई
तो उसे निभानी ही पड़ती है। इस तरह भागकर तो उसने हमारी जान आफत में डाल दी। तो घर में नटना चाहिए था होरी। सोचो कितनी बदनामी और जगहटाई हो रही। जब तक बिरादरी को भात न दोगे, बामुनों को भोज न दोगे, धार कैसे होगा? दुनिया को घर में न रखते तो कुछ न होता। हमें कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। धनिया के साथ क्या तुम्हारी बुद्धि भी घास खा गई होरी? दुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के घर भेज देते? अभी तुम्हारी दो दो लड़कियां ब्याहने को बैठी हुई हैं। सोचो कैसी बेड़ा पार लगेगा। ये सब मैं समझता हूँ लाला, लेकिन तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ। मैं दुनिया को निकाल दूं तो भोला उसे रख लेंगे। इस दशा में कहीं डूब धस मरी तो अपराध किसे लगेगा? होरी ने झुनिया को घर में रखकर समाज में विष बोया है। ऐसे आदमी को गांव में रहने देना सारे गांव को भ्रष्ट करना है। राय साहब को इसकी सूचना देनी चाहिए। इसमें राय साहब से क्या पूछना है? मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। लगा दो 200 रुपया डांड। मेरे विचार से तो 100 रुपया नकद और 30 मन अनाज डांड लगाया जाए। पंचो, गरीब को सताकर सुख ना पाओगे। हमसे इतना कड़ा जरीबाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा, यही न्याय है। तू क्यों बोलती है धनिया? पंच में परमेश्वर रहते हैं, उनका जो न्याय है वो सिर आंखों पर। पंचो, हमारे पास जो कुछ भी है वो भी खलिहान में है, घर में एक दाना भी नहीं गया। जितना चाहे ले लो, सब लेना चाहो सब ले लो, हमारा भगवान मालिक है। धनिया के जीते जी ये नहीं होने का। मैं ना एक दाना अनाज दूंगी ना एक कौड़ी दान। हमें नहीं रहना है बिरादरी में। तेरे पैरों पड़ता हूँ धनिया, चुप रहे। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं रह सकते। आज मर जाए तो ये बिरादरी इस मट्टी को पार लगाएगी। पंचो, मैं सच कहता हूँ, मेरे पास खलिहान के अनाज के सिवा और कोई चीज नहीं है। मैं बिरादरी से कभी दगा नहीं करूंगा। मर मर कर हमने कमाया इसलिए कि पंच लोग भोग लगाए, हमारे बच्चे दाने दाने को तरसे। ये सब अकेले ही तुमने नहीं कर लिया, मैं भी अपने बच्चियों के साथ सती हुई हूँ। तू ठीक कहती है धनिया, दूसरे के हिस्से पर मेरा कोई जोर नहीं। तो अपना घर गिरो रख दो, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा। अगर पंचों की यही सलाह है तो मैं अपना घर गिरो रखने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाग फूट गए थे कि तुम जैसे मर्द के साथ पाला पड़ा। इस पर दस्तखत करो हरी। अच्छा तो आप आ गए। इलाके में इतनी बड़ी वारदात हो गई, मुझे इसकी इत्तला तक भी नहीं दी गई। तुम्हारे जैसे नमक हराम और दगाबाज आदमी के लिए मेरे यहाँ जगह नहीं है। सरकार में अकेला थोड़ा ही था, गांव के और पंच भी तो थे। बकोबत जी, तुम्हें उसी वक्त कहना चाहिए था कि जब तक सरकार को इत्तला ना हो जाए मैं पंचों को जुर्माना वसूल करने न दूंगा। आखिर पंचों को मेरे और याया के बीच में दखल डालने का अधिकार क्या है? आप ठीक कह रहे हुजूर। कितने रुपए वसूल हुए होरी से? 100 रुपए। नकद? नकद उसके पास कहाँ थे हुजूर, कुछ अनाज दिया, बाकी मैं अपना घर लिख दिया। अच्छा तो आपने समझ लिया कि आप ही इलाके के बादशाह हैं। मैं कह देता हूँ कि आज शाम तक जुर्माने की पूरी रकम मेरे पास पहुँच जाए, वरना बुरा होगा। जी हुजूर। हाँ, होरी और उसके लड़के को मेरे पास भेज देना। उसका लड़का सरकार जिस रात को ये वारदात हुई उसी रात को गांव छोड़कर भाग गया। इसमें भी जरूर तुम लोगों की शरारत है। समाज के नाम पर तुम लोगों ने उसको धमकाया होगा, बेचारा भाग ना जाता तो क्या करता।
आप ठीक कहते हो मालिक। दूर हो जाओ आंखों से। मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो भोला भाई? मैं ये सब कुछ नहीं जानता। या तो मेरे रुपए मेरे हवाले करो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा। दोनों बैल ले जाओगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं है, मुझे अपने रुपए चाहिए। अगर मैं तो दोनों बैल मांग रही है तो दे क्यों नहीं देते? हमारे हाथ तो नहीं काट लेंगे? पहले अपनी मजूरी करते थे, अब दूसरों की करेंगे। अगर तुम ये चाहते हो कि हमारी बेइज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो ये नहीं होगा। तुम्हारी कुशल इसी में है कि जिस तरह झुनिया को घर में रखा था उसी तरह घर से बाहर निकाल दो। फिर ना हम बैल मांगेंगे और ना गाय का दाम मांगेंगे। तो मैं तो मेरी भी सुन लो, जो बात तुम चाहते हो वो ना होगी, 100 जन्म ना होगी। झुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बूढ़े हो गए मैं तो, पर आज भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है। फिर वो तो अभी बच्चा है। सुनते हो इसकी बातें? अब मेरा दोस्त नहीं, मैं बिना बैल लिए नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो ले जाओ। अच्छा तो ठीक है। बहुत खूब मेहता साहब, बहुत खूब। अच्छा मेहता साहब, ये तो बताइए आपकी शादी कब तक हो रही है? मेरी शादी? जी। किसके साथ हो रही है? अजी आप तो हवा में ऐसे उड़ रहे हैं गोया ये भी कुछ छुपाने की बात है। मुझे तो कुछ मालूम नहीं। क्या सचमुच मेरी शादी होने जा रही है? अजी हजरत, मिस मालती आपको छोड़ने वाली नहीं, कहिए तो लिख दूं। आप देखो वह मिर्जा साहब। अच्छा तो इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। गोवा जी मालिक, अब तुम्हारी छुट्टी है, ये लो आज की मजदूरी, कल फिर आओगे। मालिक? हाँ कहो। मालिक मैं कहीं नौकरी चाहता हूँ। नौकरी चाहते हो? काम तुम्हें रख लेंगे, लेकिन काम खूब कस के करना पड़ेगा। मैं मेहनत से नहीं डरता हुजूर। तो ठीक है, हम तुम्हें 15 रुपए देंगे। ठीक है, लेकिन मालिक अगर कहीं एक कोठड़ी मिल जाए तो वहीं पड़ा रहूंगा। हाँ हाँ, कोठड़ी तो है, इसी में रह जाओ। अच्छा।
में अनाज का दाना नहीं, और रूपा भूख से व्याकुल हो रही है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। जब भाग्य फूटे हों तो कोई क्या कर सकता है। घर पर हो होरी? नमस्कार महाराज। अब की तो तुम्हारे खेत परती पड़ गए होरी। तुमने गांव में तो किसी से कुछ कहा नहीं, नहीं तो भोला की क्या मजाल थी कि तुम्हारे घर से बैल खोल ले जाता, यही लाश न गिर जाती। भगवान की यही इच्छा थी तो अपना क्या बस महाराज। तो अब की तुमने अपने खेतों की बुआई का क्या इंतजाम किया है? क्या बताऊं, परती रहेंगे। परती रहेंगे, ये तो बड़ा अनर्थ होगा। ना तुमने पंचायत में बैठकर हम पर डांट लगाया होता, ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता। धनिया तो मुझे नाहक बदनाम करती है होरी। मैं तो लोगों के कहने से पंचायत में बैठ गया था। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूं। जाने दो महाराज, जाने दो, जो होना था सो हो चुका। खेत जोते जुताए ऐसे ही पड़े रह गए। मैंने बैठे बैठे सोचा तू चित बड़ा दुखी हुआ, कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेत में कुछ तरी है, वो बस 10 दिन पीछे होगी, और कोई बात नहीं। इसके अलावा हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा। चौमासे भर हमने खेतों में खाद डाली, जोता, और आज खाली बुआई के लिए तुम्हें फसल दे दे, इससे तो अच्छा है खेत परती पड़ जाए। नहीं धनिया, नहीं, अब की लगान न चुका तो बेदखली आई धरी है। अगर और कुछ नहीं मिलेगा तो लगान तो निकल ही आएगा। तो चलो 20 तौल दो, रोटी तो खाली है ना। नहीं महाराज, आज तो घर में चूल्हा भी नहीं जला। अरे तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला, और तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं। चलो 2 मन अनाज खाने को भी तौल देता हूं, हम तुम्हारे बैरी थोड़े ही हैं। बैठी तमाशा क्या देखती है धनिया, जब अपना काम कर, इस हिसाब से तो दिन भर में भी ऊख न ढूंढ पाएगी। क्या जरा भी दम न लेने दोगे महाराज, हम भी तो आदमी हैं, तुम्हारी मजबूरी करने से बैल नहीं हो गए। पैसे देते हैं काम करने के लिए, दम मारने के लिए नहीं। दम लेना है तो घर जाकर दम लो। अच्छा चुप रहो, नहीं तो। चाहते क्यों नहीं धनिया, क्यों उज्जत कर रही है? चाहता नहीं हूँ, लेकिन चलते हुए बैल को औंधी न देनी चाहिए। जान पड़ता है अभी मिजाज ठंडा नहीं हुआ, तभी दाने दाने को मोहताज हो। तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने तो नहीं जाती? अगर यही हाल रहा तो एक दिन भीख भी मांगेगी। भीख मांगो तुम, जो भीख मांगे की जात हो। हम तो मजदूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे।
मालिक, आपको ऐसी बात न कहनी चाहिए जो दिल को लग जाए। अरे क्या हुआ? तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? अरे अरे को दौड़ कर पानी ला। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या करती है धनिया, वो संभाल, बोरी को कुछ नहीं हुआ है, गर्मी के अचेत हो गए हैं, अभी होश आया जाता है। क्या करूं लाला, जी नहीं मानता, भगवान ने सब कुछ हर लिया, मैं सबर कर गई, अब सबर नहीं होता। महीनों से भर पेट रोटी नसीब नहीं हुई, कितना समझाती हूँ जी रख कर काम करो, लेकिन मेरे तो कुछ सुनते ही नहीं। कैसा है तुम्हारा, मेरे तो बड़ा नाहों में समा गई थी। अच्छा, न जाने जी कैसा हो गया था। देह में दम तो है नहीं, पर काम करते हो जान देकर, आज तो तुम ले ही डूबे थे। धनिया तो रो पीट रही थी होरी। सचमुच तू रोती थी धनिया? इन्हें बकने दो, पूछो ये क्यों घर से दौड़े हैं? अभी तो फूट फूट कर रो रही थी, अब लाज की मारी मुकरती है। अगली है और क्या, अब न जाने कौन सा सुख देखने के लिए मुझे जिलाए रखना चाहती है। विरही पपिहरा बोलने लागे
साधु बहन ओ रामा जरत रहत दिन रे कैसे हो गई तुम तो मुझे अब भी अच्छा चुपी रहना नहीं तो 150 गाली दूंगी याद है जब दिन में 2500 बार तुम मेरी दुकान के चक्कर लगाया करते थे और मैंने तो ताका तक भी नहीं देखो भाभी झूठ मत बोलो बिना कुछ रस पाए थोड़ा ही आता था चिड़िया एक बार परत जाती तभी तो दूसरी बार आंगन में आती है चल झूठे भाभी तुमने आंखों से ना ताका हो लेकिन तुम्हारा मन तो ताकता ही था अच्छा जी बड़े अंतर्जामी बन के अरे तुम्हें बार बार मंडराते देखकर मुझे दया आ जाती थी हाँ भाभी औरतों ही में तो दया होती है अगर 200 रुपए सूद पर दे दो तो सोना का ब्याह कर दूं उसकी फिक्र हमें मारे डालती है होरी इस समय मेरे पास कुछ नहीं है जिसने लिया वो देते ही नहीं तो मैं क्या करूं और असल बात तो ये है कि उनके पास है ही नहीं देंगे कहां से भाभी बड़ा पुण्य होगा तुम रुपए ना दोगी मेरे गले की फांसी खोल दोगी कहो तो 200 रुपए में तुम्हारी गुलामी लिख दूं तब धनिया से तो ना बोलोगे नहीं और जो बोले तो मेरी जीभ काट लेना अच्छा तो तुम घर जाओ ठीक ठाक करो रुपए मैं दे दूंगी गोबर क्या हुकुम है मालिक तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो दे दो आज 3 दिन से बोतल खाली पड़ी है आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते मालिक क्या इसके पीने से कुछ फायदा होता है तुम अपने रुपयों के लिए मत डरो मैं एक एक कौड़ी चुका दूंगा लेकिन इस समय मालिक मेरे पास रुपए नहीं है 2 रुपए भी नहीं दे सकते अगर आप वादा करें कि फिर कभी नहीं पियेंगे तो इस बार दे सकता हूँ मैं वादा करता हूँ गोबर शराब की बदौलत मैंने अपनी लाखों की हैसियत बिगाड़ दी और आज भिखारी हो गया ये लीजिए मालिक शुक्रिया मालिक आपके यहाँ रहते साल भर हो गया और होली भी आ रही अगर आप कहें तो कुछ दिनों के लिए घर हो आऊं हाँ जरूर हो आओ पिपरा के पतवा शरीर के डोले मनुआ कि ही आरा में उठते हिलो अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देशवा की ओर
त्रिपुरा के पतवा सर के डोले मनवा की ही यारा में उठत हिलो पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेश ले आज देशवा की ओ त्रिपुरा के पतवा सर के डोले मनवा की ही यारा में उठत हिलो पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ झुकी बोले करे करे ये बदरुआ झुकी झुकी बोले करे करे ये बदरुआ कब से पुकारे तो है नैनो का कजरुआ उमर गुमर जब कर जे बदरिया रे ठुमक ठुमक नाचे मो पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया जल्दी जल्दी चल रही अपना गरिया रहिया ताकत भी रहनिया दुल्हनिया रे बांध के लगनिया की डो पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा की ही यारा में उठे तहिलो पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ नहीं गया था अम्मा यही लखनऊ में तो था अरे इतने नेरे रहकर कभी एक चिट्ठी तक नहीं लिखी देखो मैं क्या लाया गोबर अच्छे हो ना बैठा दिया आप परदेश की राह ली साल भर के बाद अब तुम्हारी नींद टूटी कितने बड़े कपटी हो तुम मैं लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर दुनिया मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मेरे मन से ना उतरती थी तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़े होंगे दादा तो मेरी जान ही लेने पर उतारू थे सच हमारे दोनों बैल भी खोल ले गए इतनी बड़ी जबरदस्ती और दादा कुछ बोले नहीं दादा अकेले किस किस से लड़ते उनकी यह मजाल कि मेरे द्वार से बैल खोले जाए
पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूँ। तो चले जाना, अभी ऐसे क्या जल्दी है, लाओ निकालो, देखो इतने दिन में क्या कमाल आए हो। अभी क्या कमाए, साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में ही लग गया, इस बार तुझे भी साथ लेता जाऊंगा। तब तो, और तुम भी क्या परदेश में रहते रहोगे? यहाँ बैठकर क्या करूंगा, कमाओ और मरो, इसके सिवा यहाँ और क्या रखा। बस होली के दूसरे दिन ही यहाँ से चला जाऊंगा और साथ तुझे भी चलना पड़ेगा। पांचों भी मेरी ओर से ले लीजिए। अरे कैसा पागल है? नहीं सरकार, एक रुपया छोटी ठकुराइन का मान खाने के लिए, एक रुपया बड़ी ठकुराइन का मान खाने के लिए, एक रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना, एक रुपया बड़ी ठकुराइन का नजराना, और रहा एक वो आपकी क्रियाकर्म के लिए। हाँ, क्या कहा कसमा? देखा है आप लोगों ने, अगर ये लौंडा सिकंजे में न कसा गया तो गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। मगर ठाकुर साहब, दोनों ठकुराइन की नकल थी सच। सुना है तुम्हारी बड़ी भद्दी नकल की, आधे से फर्जी हो गया है ना, टेढ़े तो चलेगा ही। मैं तो बचा पर बकाया लगान का दावा करके ठीक कर दूंगा, वो भी क्या याद करेगा किसी से पाला पड़ा था। मगर लगान तो उसने चुका दिया है ना? लेकिन रसीद तो मैंने नहीं दी है, इसका सबूत क्या है कि उसने लगान चुका दिया है? बस यही उपाय सबसे अच्छा है, अभी आदमी भेजकर होड़ी को बुलवाना चाहिए। मैं अभी बुलवाता हूँ। पानी में रह के मगर से बैर नहीं किया जाता बेटा, सूद लगाकर 70 रुपए बाकी निकाल दिए, ये किसके घर से आवेंगे? तुमने रसीद ले ली होती तो कुछ ना होता। मुझे क्या मालूम था वो लोग बेईमानी करेंगे। रात को तुमने उनकी नकल उतारी, ये उसी का दंड है।
मैं तुम्हें 70 रुपए दे दूंगा, लेकिन इतना कह देता हूं फिर किसी से एक पैसा उधार मत लेना। मैं परदेश इसलिए नहीं पड़ा हूं कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमाकर भरता रहूं। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए बेटा, माँ बाप कर्ज कमाम लेते हैं किसके लिए, लड़के लड़कियों के लिए या अपने भोग विलास के लिए? क्या जाने तुमने किसके लिए कर्ज लिया। बिना पाले इतने बड़े हो गए हो। पालने में तुम्हारा लगा क्या, जैसे और लावारिस पलते हैं वैसे मैं भी पल गया। मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ धनिया, चुप रहे, मेरे मुंह में कालिक मत लगवा। ये मंत्र तुम्हें कौन पढ़ा रहा है बेटा, तुम तो ऐसे ना थे। मैं नादान नहीं जो मुझे कोई मंत्र पढ़ाए। तुम और दादा ये चाहते हैं कि मैं सारा कर्ज चुकाऊं, लगान दूं, लड़कियों का ब्याह करूं, ये सब बोझ मैं नहीं उठा सकता। तुम ठीक कहते हो बेटा, ये सारा बोझ मैं खुद ही उठा लूंगा, मुझे तुमसे कोई आशा नहीं। मेरा 2-3 रुपया रोज का घाटा हो रहा है, मैं कल ही यहां से चला जाऊंगा और इस बार झुनिया को भी साथ लेता जाऊंगा। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि झुनिया ही हमें नागिन बनकर डस रही है। तुम उसे नाहक कोस रही हो, अपना भला बुरा क्या मैं नहीं समझता। अच्छा चुप रहे, बहुत क्या ना बका, कल का चाहता आज ही चला जा। अब तो इस घर में पानी पीना भी मेरे लिए हराम। कि न जाने तुम इस तरह क्यों खो जाया करते हो। शायद यह मेरे पूर्वजन्म का संस्कार है, प्रकृति से स्पर्श होते ही जैसे मुझ में नया जीवन सा आ जाता है। और मैं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आती। आती हो, बार बार आती हो, सुगंध के एक झोंके की तरह, कल्पना की एक छाया की तरह। दौड़ता हूं कि तुम्हें अपने कर्पाश में बांधूं, और हाथ खुले के खुले रह जाते हैं और तुम अदृश्य हो जाती हो। इसका कारण जानते हो, तुमने मुझे सदैव परीक्षा की आंखों से देखा, प्रेम की आंखों से नहीं। इतना भी नहीं जानते, नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। तुमने मुझे कभी परीक्षा की आंखों से नहीं देखा, सच कहती हो? कभी नहीं, मैंने तो पहले दिन तुम्हें अपना हृदय दे दिया था। आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ मालती। क्या अब भी कुछ पूछने की जरूरत बाकी है? हाँ मालती, शायद मेरे प्रेम की परिभाषा सुनकर तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। क्या है तुम्हारे प्रेम की परिभाषा, भला सुनो तो। मेरे लिए प्रेम एक खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की निगाह भी नहीं पड़ने देना चाहता। अगर प्रेम खूंखार शेर है
तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वो देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। कुछ देर और रुको ना। नहीं, आपकी बुद्धि प्रेम को पशुता की ओर खींचे लिए जाती है और उसकी देवत्व की ओर से आंखें बंद किए लेती है। चलिए, देर हो रही है। यही तुम्हारे घर है? हाँ? याद है हम सब राय साहब के आए थे और तुम रामलीला में माली बने थे। जी जी। धनिया धनिया, जरा पटेसरी के यहाँ से कुर्सियां ले आ। तो कुर्सियों का कोई काम नहीं, हम यहीं बैठ जाते हैं। ठहरिए। पानी लाओ। प्यास तो लगी है। कुछ मीठा भी लाओ। ले आओ अगर घर में हो तो। अच्छा अच्छा। क्या उम्र है इसकी? यही कोई साल भर का होगा। क्यों रे? हाँ, तुम सबको अपने बच्चों को साफ रखना चाहिए। खाने तक का तो ठिकाना नहीं, यहाँ ये सब सफाई और संजाम कैसे होगा? सफाई में कुछ खर्च नहीं है, केवल थोड़ी सी मेहनत और होशियारी से काम चल सकता है। ये सारी बातें आपको कैसे मालूम है सरकार? आपका तो अभी तक ब्याह भी नहीं हुआ। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा ब्याह नहीं हुआ? ये भी कोई पूछा जाता है? मुंह देखते ही पता चल जाता है। अच्छा। मैंने ब्याह इसलिए नहीं किया कि आप लोगों के साथ रहकर मैं कुछ सीख सकूं। ये गुड़ है। गांव भर में हमारी उक्त सबसे ऊंची है। तुम्हें ऐसा ही दिखाई पड़ता है। हजार बार कह चुकी हूँ कि नजर ना लगाया करो, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ आता ही नहीं। हाँ, तू ठीक कहती है। नहीं नहीं भगवान, हमारी उक्त सबसे नीचे है। डिग्री करा ली और मुझे पता तक भी नहीं। मैं तुम्हारे रुपए लेकर भाग तो नहीं जाता और ना ही कोई इतनी जल्दी मरा जाता हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ कहना है तो इनसे कहो। अच्छा, तो ये तुम्हारी कारस्तानी है। सर पूछते क्यों नहीं, क्या यही धर्म है इनका गांव घर के आदमियों के साथ? अब पूछने से क्या होगा धनिया? देखती हूँ मेरे खेत के नगीस कौन आता है। मिल वाले आकर काट ले जाएंगे। तू क्या करेगी और मैं क्या करूँगा? मेरे जीते जी कोई मेरा खेत ले जाएगा? हाँ हाँ, तेरे जीते जी और मेरे जीते जी, सारा गांव मिलकर भी इसे नहीं रोक सकता। 80 रुपया, 80 रुपया, 80 रुपया, 1 90 रुपया, 90 रुपया, 90 रुपया, 1 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, 1 100 रुपया, 2 और कोई बोलता है भाई? नहीं नहीं, 100 रुपया, 1 100 रुपया, 2 100 रुपया, 3
यही तो तुम चाहते थे। मेरा ही दोष है? दोष किसी का भी हो, हुई तुम्हारे मन की। नहीं भाभी, तुम्हारे रुपए नहीं मारे जाएंगे। सोना का ब्याह सर पर है, उसके बाद ही तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा। ब्याह के लिए अब मैं रुपए ना दे सकूंगी होरी, तुम कोई और प्रबंध कर लेना। नहीं भाभी, दया करो भाभी, अब तो सोना के ब्याह की तिथि भी ठीक हो चुकी है। अरे तो गोबर से क्यों नहीं मंगा लेते, अब तो वो कमाने लग गया है। गोबर जिस तरह यहाँ से चला गया भाभी, सो तो तुम्हें मालूम ही है। अब मैं किस मुँह से मांगूंगा उससे? तो मेरे आसरे मत रहना होरी। ऐसा ना कहो सुहाए, अब सिर्फ तुम ही मेरा आसरा हो, ये उपकार मैं जन्म भर न भूलूंगा। ये व्यापार की बात है होरी, और व्यापार में मैं दया नहीं कर सकती। सुहायन, मैं तो पहले ही जानती थी वो चुड़ैल क्या रुपए देगी। अब तो एक ही उपाय है, जमीन रहन रख दूं। जमीन रहन रख दोगे तो करोगे क्या? मजूरी। Thank you.
अब बस करो, चलकर सो जाओ, भोरे फिर काम पर जाना है। जल्दी क्या है, अभी तो 10 बजे होंगे, तू जाकर सो जा। दिन भर लू और धूप में मजूरी करते हो और रात को इतनी देर तक काम करते हो, मैं डरती हूं कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। चल, बीमार तो वो पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। बस एक बार रेन से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। हाथ में रुपए आते ही एक गाय लूंगा। बीमार थे क्या? क्या बताऊं दादा, मेरे सिर पर हत्या सवार थी, ऐसा लगता था जैसे वो गौ मेरे सामने खड़ी है। दादा मैं पागल हो गया और 5 साल पागल खाने मेरा। तुम तो नाहक भागे भैया, मैं कोई गैर थोड़ा ही था। दादा मैं जीते जी तुमसे उड़ना हूंगा। क्या बात है दादा, तुम तो बहुत दुबले हो गए। तो क्या मोटे होने के दिन है? होरी, क्या हुआ तुम्हारी बेदखली के बारे में? सुना है तारीख के 15 दिन ही रह गए हैं। क्या बताऊं महाराज, मेरे पास रुपए होते तो ये दुर्दशा क्यों होती? वो मालिक हैं, जो चाहें सो करें। लेकिन जमीन तो बचानी ही पड़ेगी, बाप दादों की इतनी ही निशानी तो बच रही है, ये भी हाथ से निकल गई तो निभा कैसे होगा? भगवान की मर्जी है, इसमें मेरा क्या बस। एक उपाय है जो तुम करो, बड़ा धर्म होगा महाराज। तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? मैं तो बिल्कुल निराश हो गया था। निराश होने की कोई बात नहीं, रामसेवक महतो को जानते हो ना? हाँ, जानता क्यों नहीं, मेरा जजमान है।
बड़ा अच्छा जमाना है उसका। कई महीने हुए उसकी औरत मर गई है, संतान कोई नहीं। अगर रुपया का ब्याह तुम उसके साथ करना चाहो तो मैं उसे राजी कर लूंगा। महाराज, कहां वो बूढ़ा ठूंस और कहां मेरी फूल सी रूपा। आज आज मेरे ऐसे दिन आ गए कि आप मुझसे लड़की बेचने की बात कहते हैं। मैं तो तुम्हारे भले की बात कहता हूं। देखते देखते लड़की सयानी हो गई है और जमाना बुरा है। उसका ब्याह हो जाएगा और तुम्हारे खेत भी बच जाएंगे। कुल में ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं महाराज। इतना समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है और दुख में कुछ और। जब संकट में बड़े बड़ों की मर्यादा टूट जाती है तो फिर हमारी तुम्हारी क्या बात है। ऐसा ना हो कि तुम सोचते रह जाओ और बेदखली आ जाए। उस बुढ़े के साथ तुम रुपया की सगाई की बात लेकर आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जाता हूं होरी। तुम दोनों की राय हो तो मुझे बताना, मैं कल ही बातचीत पक्की करा दूंगा। तुमने पंडित को फटकारा नहीं? फटकारा तो नहीं, हाँ इनकार कर दिया। कहता था ब्याह बगैर खर्च बरच के हो जाएगा और खेत भी बच जाएंगे। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम लड़की बेचना चाहते हो? राम सेवक बूढ़ा तो नहीं, हाँ अधेड़ जरूर है। तुम ऐसा कह रहे हो? रूपा के सुख लिखा है तो यहां भी सुख उठाएगी, दुख लिखा है तो कहीं भी सुख नहीं पा सकती। उम्र की भी कोई ऐसी बात नहीं, बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान चले जाते हैं। वर कन्या जोड़ के हो तभी ब्याह का आनंद है। आनंद, ब्याह का नाम आनंद नहीं पगली, तपस्या है, तपस्या। Bye.
होरी, दोपहर ढल गई, उठो, झगड़ा उठाओ। होरी के घर वालों को जल्दी बुलाओ। गए गोबर, मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वो खड़ी है, देखो। अब जाता हूं, गाय की लालसा मन में ही रह गई। कड़ा करो, दादा चले। गोदान करा दो, अब यही समय है। गोदान करा दो। सुतली बेचकर 20 आने पैसे लाए थे, यही इनका गोदान है। ओम तत्सद्याहं कृतानां सामाजिक कल्याण विरुद्धानां पापानां निष्कृति हेतवे पश्चाताप प्रतीक रूपम इदं गो निष्क्रिय रूपम द्रव्यम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय सचरित्राय दातुमहं सृजे। जरत रहत दी